तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है नंबर प्रॉब्लम्स। नंबर प्रॉब्लम में अगर हम ध्यान से देखें और सोचें, हमने जो डाइस के क्वेश्चन करे हैं, सिंगल डाइस हो डबल डाइस हो, वो एक नंबर ही प्रॉब्लम थे। फिर यहाँ पर्टिकुलर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 45 तक नंबर आपके पास है, पर्चियाँ हैं, 16 पर्ची ढक के रहता है अभी। इसी तरह से आपके पास 45 पर्चियाँ हैं, आपने 45 पर्चियों को इकट्ठा करा, मिक्स करा, एक बॉक्स में डाल दिया, एक आपने पर्ची उठाई। इस बात की प्रॉब्लिटी निकाली है कि जो पर्ची आपके हाथ पे आएगी है वो नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 20 प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यूनिक नंबर, प्रॉबिलिटी ऑफ आ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा बहुत लिखे हैं। नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 20, क्या आपने जो पर्ची मिक्स करी है उसमें जो पर्ची आपके हाथ में आई है वो 20 या 20 से छोटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? 20 अपॉन 45। वहां से काटा 4 बनाई। अब प्राइम नंबर, अब 1 से लेकर 45 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ठीक है, 37, 37, 41, 43 ठीक है, 14 नंबर होता है, 14 अपॉन छोड़ दो। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का टोटल माइनस कर दो, कितना क्या 31 अपॉन 45। वन तो खुद ना प्राइम होगा ना वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो यदि 15 माइनस करना है आपको ठीक है, 14 तो आपने प्राइम नंबर माइनस करना है टोटल में से, और 1 ना कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, तो वो भी तो माइनस होगा 30 में से ठीक है जी। ये होगा यस सर, काटू 6 बनाए 15 से काटू डायरेक्ट यस सर, 15 दिया। आई यूनिक नंबर बताओ यूसुफ, बस यही मैंने जान के रखा है, जो ना ये हो ना ये हो क्या हो, वन ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, वो क्या होता है यूनिक होता है, इसलिए वो अकेला है। 45 नंबर का अकेला वन ही है जो यूनिक है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? 4। सबसे पहला 4 नहीं, सबसे पहले 1, 1 का स्क्वायर करो, 1 का रूट करो, सही आ रहा है, 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ ठीक है, 7, 49 करेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा, कितना है 6 अपॉन 45 काटो 2/15। परफेक्ट क्यूब अगेन 1 ठीक है, फिर 8, फिर 27, फिर ज्यादा हो जाएगा तो 3 मिले आपको, 3/45 ठीक है, डाउट। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी सिलेबस भी आपको वो कंप्लीट हो गया आज, ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स हो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप ऑनलाइन मुझसे पूछें, चाहे आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लें, हमेशा रेडी हूँ, अशर्ते आप पढ़ने वाले हो, ठीक है।